नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी लिंकिंग लॉज। बिल्कुल, जो यहाँ पे बिल्कुल भी लेट नहीं होता हूँ मैं। आज क्या है कि थोड़ा सा की जो है, हाँ, जो हमारी जो YouTube की होती है वो लगाने में थोड़ा सा लेट हो गया, इस वजह से हो गया। चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते। आज जो कि मोस्ट अवेटेड क्लास है, अगस्त 2022 का करंट अफेयर्स। अब ये तो आपको पता है कि एक दिन में तो ये इम्पॉसिबल है, तो दो दिन के अंदर होगा। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है यहाँ पे। हाँ देखो, वैसे तो मैं क्या है, आप लोगों के लिए सरप्राइजेस खूब सारे लाता रहता हूँ, बट अभी कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। ठीक है, चलिए, तो करंट अफेयर्स अगस्त 2022 दो पार्ट में करेंगे, आज और कल के अंदर। बस एक बार थोड़ा सा ये बता दीजिए थम्सअप करके कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। नाम तो आप सब जानते ही हैं। हाँ, लिंकिंग लॉस इंग्लिश शानदार ग्रुप है। आंसर राइटिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल ये एमपी एडीपीओ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहां पे सबसे पहली चीज तो ऐसे राइटिंग, जितने भी लिंक्स हैं सब यहीं पे मिलेंगे आपको। हाँ, और यहां तक कि जो आपका आंसर राइटिंग का पार्ट जो हमने स्टार्ट किया, मैं आपको बता रहा हूं, जज तो बन के ही रहना है, एक भी चीज नहीं छूटेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट देखो यहां पर, ये तो अनअकैडमी की तरफ से सरप्राइज है, मेरी तरफ से नहीं है। हाँ चलो, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 5 सितंबर 2022, यानी कि टीचर्स डे के दिन जो है यहाँ पे 6 बजे से एक शानदार जो प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, जो आप लाइव देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है हम जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सभी के ग्रुप में मिलेगा आपको। और इसको कहते हैं अनअकैडमी 1, जिसका जो सरप्राइज है वो उसी दिन 6 बजे स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल रविंदर, आप एकदम सही गैस किए हैं। बिल्कुल, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये, पहले तो हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बीच में मैं आपको सरप्राइज दूंगा, वो भी बहुत ही शानदार वाला। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा सरप्राइज दूंगा कि आपका जो मन है वो बहुत ही शानदार हो जाएगा, कि एक जो 20% टेंशन है आपकी एग्जाम को लेके वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो। विच स्टेट हेल्ड द मोस्ट नंबर ऑफ सिटिंग्स ऑफ द स्टेट असेंबली इन 2021? ठीक है, तो कौन से स्टेट, किस राज्य ने 2021 में राज्य विधानसभा की सबसे अधिक बैठकें जो है आयोजित की? देख लेते हैं भाई। हाँ, लिटरेट स्टेट होगा वो, उसका आंसर तो यही होगा। हाँ, तमिलनाडु, केरला, ओडिशा या फिर कर्नाटक। ठीक है, बिल्कुल, तो इसका आंसर आप ध्यान रखिएगा, ये है केरला। अब हम क्या है, ऑप्शन नंबर सी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ओडिशा गवर्नमेंट एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है। बट जो फैक्ट है, जो फैक्ट तो फैक्ट ही होगा, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस है ये पर्पसली जुडिशरी के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। ठीक है, जिसका मतलब यहां पे क्या होता है, पूर्ण निर्मित वितरण क्षेत्र योजना, विच वॉज रिसेंटली लॉन्च इज इंप्लीमेंटेड बाय, तो ये किसने इंप्लीमेंट करी है, यानी कि किसने लागू करी है, किस मंत्रालय की तरफ से लागू हुई है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर? ठीक है, हाँ, अगर देखो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, जैसे आज की तारीख में जो है ना, हाँ, 3 क्लासेस लूँगा मैं, जिसके अंदर जो है स्पीडी के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। आज ही टाइप कराने के लिए ये वाली किताब लेके आया हूँ मैं, देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो है आप मान के चलिए जी कि एकदम परफेक्ट तरीके से वो सारा हो जाएगा। तो अगर आप प्रतियोगिता दर्पण नहीं भी लेते तो करंट अफेयर्स सारे क्लियर कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो सारे ही लेके आऊंगा मैं। चलो, तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, हाँ, ये बी नहीं होगा। मैं पूरी तैयारी के साथ ही आता हूँ हमेशा, ध्यान रखिए। हाँ, जय हिंद जय हिंद, अनुप सर आए हैं हमारे, देखो यहाँ पे इसका आंसर जो है ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर, यानी कि जो है पावर वाली जो मिनिस्ट्री है वही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ का पार्ट है? ठीक है, हाँ, पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे एक नई स्पीशी मिली है जिसका नाम क्या है, डैम्प्स सेल फ्लाई, वो फ्लाई जो होती है ना छोटी छोटी, हाँ, मक्खी जिसको कहा जाता है उसका,
सर अब मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया, क्या ये क्लास एनपीसीजे? माय गॉड, ये एक्चुअल में समझदारी है अक्षिता, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, एमपी एडीपीओ का कुछ भरोसा नहीं है, एमपीसीजे की तैयारी करेंगे, परफेक्ट वैकेंसी आती है, बिल्कुल सही है। तो जो पैची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये है हमारे केरला के अंदर। ऑप्शन नंबर बी केरला इज द राइट आंसर, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। लॉजिस्टिक डेटा बैंक, हाँ स्टार लगा दो यहां पे। लॉजिस्टिक डेटा बैंक एलडीपी प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच मिनिस्ट्री, तो किस मिनिस्ट्री से संबंधित रखती है ये लॉजिस्टिक डेटा बैंक? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बैंक की बात हो रही है तो कुछ लेन देन की बात हो रही है, लेन देन की बात हो रही है तो वो कॉमर्स की बात हो रही है, कॉमर्स से कहां जा रहा है यहां पे? ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक और बात, कल की तारीख में थर्सडे, एवरी थर्सडे मैं एक तो देता हूँ ऐसे राइटिंग जो कि आपके मेंस के लिए काम आएगा, और एक मैं यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन देता हूँ। तो कल मैंने दो दिए थे क्वेश्चन, ठीक है, एक तो पीपीपी यानी कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जो था यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हाँ वो आपको करना है और करके मुझको भेजना है, मैं आंसर रिव्यू करूँगा, ये ध्यान रखिएगा, कंपल्सरी है। क्या है? कंपल्सरी, क्योंकि सिर्फ प्री की तैयारी करेंगे ना तो पीछे मेंस की रह जाएगी। हाँ और उसकी एक सरप्राइज तो अभी आपको दूंगा, मैं रुक जाइए। हाँ एमएसएमई का मतलब होता है वो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो होती है ना उनके लिए। हाँ नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन। सर सेकंड क्वेश्चन समझ नहीं आया, वापस समझा देते हैं ना, कहाँ दिक्कत है? ठीक है, ये वाला रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल स्कीम, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना इसमें वो जो बल्ब होते हैं ना बल्ब, हाँ बल्ब जो है बांटने की प्रक्रिया है, और बल्ब तो किस में आएगा यहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आएगा। हाँ राइट, लोकतक लेक, बिल्कुल टेलीग्राम पे मुझे भेजना है, ठीक है। हाँ प्लस में हिस्ट्री कब से स्टार्ट होगा? सेकंड और थर्ड वीक के अंदर होगा। फर्स्ट टाइम ऐसे करते हुए चीटिंग कर सकते हैं क्या? तो नहीं, आप कम से कम स्टार्टिंग के 10 ऐसे तक आप आराम से चीटिंग कर सकते हैं, 10 ऐसे के बाद में अगर आपने एक पैराग्राफ नहीं लिखा तब तो फिर गलती है। सर आपके जीएसजीके के कोर्स को अलग से अवेल किया जा सकता है क्या? नो बिल्कुल नहीं। अगला देखते हैं, लोकतक लेक जो है सीधा सीधा आंसर है, हाँ असम में नहीं है ये, क्या कर रहे हो यूं? हाँ लोकतक लेक जो है असम के अंदर नहीं है, मणिपुर में है, ठीक है बिल्कुल मणिपुर के अंदर है, राइट। हाँ अभी वो सरप्राइज के बारे में यही तो बताने वाला हूँ मैं, टॉपिक दे दिया मैंने, क्यूरियोसिटी है, ठीक है। हाँ अगला, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट पर्सन्स का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने के चांसेस है, ध्यान रखिएगा। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उनके नए MD एंड CEO कौन बने हैं? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये फटाफट से इसका आंसर दीजिए जल्दी से, राइट। हाँ आशीष चौहान, KV कामत, उर्जित पटेल या फिर अरुण दत्ती भट्टाचार्य, चारों में से ऑड वन आउट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है आशीष कुमार चौहान, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ना ना उर्जित पटेल कब बने? NSE के, किसी का डिमोशन थोड़ी ना होता है इतना, RBI के गवर्नर से NSE का कौन बनाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, द क्राफ्ट्स विलेज स्कीम, बिल्कुल यही था उसका आंसर, द क्राफ्ट्स विलेज स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री, तो क्राफ्ट, ठीक है हाँ क्राफ्ट विलेज स्कीम किसकी हो सकती है? एक हिंट देने के लिए ये फोटो दिखा रहा हूं मैं, ये फोटो आप देख लीजिए, इस तरह का क्राफ्ट होता है, इस तरह की ये होती है, हाँ इस तरह का ये मेला चलता है। अब आ जाते हैं पीछे वाले पे, बताओ किसका होगा ये, है ना? ऑप्शन नंबर ए लगता है, कल्चर, बिल्कुल वेरी गुड, गलत है। अब जो दूसरा ऑप्शन होगा वो एकदम सही होगा, ठीक है, टेक्सटाइल का है ये, क्या है? हाँ वो क्या है, पहले मेरे को भी यही लगा था कि कल्चर का ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ वो नेवी के न्यू फ्लैग पे वीडियो अलग बनाऊंगा मैं, वेरी गुड निखिल, ये एक बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये कल्चर का नहीं है, किसका है? टेक्सटाइल्स का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
हाँ चाबहर पोर्ट, ठीक है, इसका नाम चाहबर नहीं है, क्या है चाबहर पोर्ट जो है ये कहाँ पे स्थित है बताना है। ऐसे का टॉपिक ग्रुप में है, ग्रुप में लिंकिंग लॉज इंग्लिश ग्रुप के अंदर, ठीक है। हाँ थोड़ा बड़ा है टॉपिक का नाम, तो चाहबर पोर्ट कहाँ पे है, ये ईरान के अंदर है, अफगानिस्तान में नहीं है, ये कहाँ पे है, हाँ ईरान, ऑप्शन नंबर सी, डेट्स इट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। विच स्टेट इज द वेन्यू ऑफ द इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री एक्साइज अल नजा, ठीक है। हाँ वो ईरानी है, अफगानिस्तान नहीं है वो, ठीक है। हाँ अल नजा जो है यहाँ पे कहाँ पे हुई थी ये, और ये किस किस के बीच में है, इंडिया एंड ओमान, इंडिया और ओमान के बीच में है। हाँ बिल्कुल राइट, ना ना राजस्थान, इसका आंसर क्या है, राजस्थान के अंदर है बिल्कुल, इसकी ड्रिल जो होनी थी ये बहुत ही शानदार जगह पे हुई थी। हाँ राजस्थान एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो कौन सा क्वेश्चन है ये, हाँ राखी गढ़ी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप सभी को पता है वो जो 5,000 साल पहले का जो कंकाल मिला है ना वो यहीं पे मिला है, और उसके पास में छोटे छोटे पॉट भी पाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि जो सिंधु सभ्यता है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वो लाइफ आफ्टर डेथ में भी विश्वास रखती थी, ठीक है। हाँ तो राखी गढ़ी जो है यहाँ पे, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, बिल्कुल परफेक्ट है राइट। अरे वो ढोलावीरा है, ये राखी गढ़ी है, 39th यूनेस्को साइट जो है ना वो ढोलावीरा है, ध्यान रखिएगा। सर आपने जो 101 हिस्ट्री का करवाया है वो जुडिशरी के लिए देख सकते हैं क्या, हाँ लेकिन यूपी पीसीएसजे का लेवल तो अलग है ना। हाँ देखो हमने यूपी एपीओ के लेवल से किया था बट वो तो उससे भी हाई निकल गया, तो अब क्या यूपी पीसीएसजे का तो लेवल अलग है तो उसको रहने दीजिएगा। हाँ हिसार सिटी में है बिल्कुल, हरियाणा के, ठीक है राइट। हाँ आगे देखते हैं, विच मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड, हाँ सर मेरा आज सब गलत है, तो गलत ही होगा ना, ये तो अगस्त का तो करंट अफेयर फर्स्ट टाइम ही आया है ना। चलो वेरी गुड मॉर्निंग सभी को फिर से। विच मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम्स अमेंडमेंट बिल 2022, ठीक है। चलो अब बताइए स्किप, यहाँ पे ये खतरनाक क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, नाम याद रखना, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम अमेंडमेंट, ठीक है। हाँ सर प्लीज टेल वन थिंग डैट इज मैंडेटरी टू गो थ्रू घटना चक्र, नो नीड, नो नीड, हाँ बिल्कुल कंफ्यूज करना मेरा काम है, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नहीं है, फिर आता है डिफेंस का, डिफेंस का ही लग रहा है वैसे तो, बट ये डिफेंस का भी नहीं है। इसका जो प्रॉपर आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑप्शन नंबर सी। हाँ और याद रखना बिल्कुल सही है, वेरी गुड, लर्निंग इंपॉर्टेंट है। और एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मैं कन्फ्यूज़ करता हूँ ना आपको, ये सब ट्रिक्स हैं, कन्फ्यूज़न जो स्टूडेंट के दिमाग में आता है ना तो वो क्या है कि एग्ज़ाम में आता है, और अगर वो सही हो जाए ना तब तो बढ़िया है, गलत हो जाए तो अगले साल थोड़ा देना है इसीलिए। हाँ विदेश मंत्री, सर ये क्यों होगा, इसका आंसर है ना, ये तो इसी ने किया है तो यही होगा ना। आगे बढ़ते हैं, हाँ ये देखो अचिंता श्योली, ये पर्सन आपको दिखाया था मैंने अभी परसों की क्लास में, कॉमनवेल्थ 2022 की जब क्लास ली थी तो उसने गोल्ड मेडल जीता था, वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है बताना है। वो पुराना हो गया अब नया कराऊंगा वापस, ठीक है, उसको इग्नोर कर सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल एग्जाम की प्रैक्टिक, बिल्कुल हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल वेट लिफ्टिंग, देखा अब ये चीज अपन ने करी हुई है, आंसर आता है हमको, है ना, ऐसे ही होगा आगे। चलो वेन इज द मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे, ठीक है ये नया है, ठीक है मुस्लिम राइट्स डे जो है यहाँ पे। हाँ अच्छा एक और मैं आपके लिए क्या एक बहुत अच्छा सा फायदा कर देता हूँ, ठीक है, हाँ एक बहुत शानदार फायदा कर देता हूँ मैं आपके लिए, समझ लो
अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या नहीं करा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक तैयारी करी नहीं है, तो भी मैं आपको कह देता हूं आज स्टार्ट कर लो, ठीक है, आज स्टार्ट कर लो 12:45 की क्लास से, ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, 1 अगस्त, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी 1 अगस्त, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और ये ध्यान रखिएगा किसी ने भी अगर तैयारी नहीं करी है तो 12:45 वाली क्लास देख लेना, हो जाएगा काम आपका। आगे, विच स्टेट साइंड एन MOU विद नीति आयोग फॉर एनहैंसमेंट ऑफ द लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स, किसके साथ में जो है नीति आयोग ने एनहेंस किया है इस चीज को, चलिए भाई देखते हैं ऑप्शंस, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, हाँ वो मैं अभी आपको बताऊंगा, 12:45 का टॉपिक, हाँ तो इसका आंसर क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, MP ADBO लिंकिंग बैच कब से स्टार्ट है आपको पता ही है, 15 सितंबर, देखो पहले 8 तारीख से था बट अब क्या है 15 सितंबर हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, अगला जो है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पता ही है फैकल्टीज़ की लिस्ट जो है यहाँ पे शानदार, एक तरह से कह सकते स्प्लेंडेड फैकल्टीज़ कॉम्बो, दो जनों का कॉम्बो अगर है तो ऑब्वियसली खतरनाक हो जाता है। हाँ चलिए, प्लस और आइकॉनिक की बात करें अगर हम, हाँ तो दोनों सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस वाला मोर देन सफिशिएंट रहता है बट एक आइकॉनिक के अलग फ़ायदे हैं, और लिंकिंग कोड इस्तेमाल करना है, लिंकिंग कोड ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला जो है यहाँ पे, विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स, हाँ फटाफट से जैसे ही 100 स्टूडेंट हो जाए तो बता देना मेरे को, फिर वो अनाउंसमेंट करनी है, ध्यान रखिएगा, है ना, हाँ राइट हाँ चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे, विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम, ठीक है, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, ओनली करंट की सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते तो करंट की सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत भी नहीं है, इसी में हो रहा है, करंट अफेयर्स यूट्यूब पे ही कराऊंगा, ठीक है चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण स्कीम, तो ये सारे स्टूडेंट क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, और इसका आंसर क्या है वुमेन, अच्छा ये तो मैंने पहले भी तो कराया है, हाँ ये बीच में एक बार और करंट अफेयर्स में आया था पोषण, लेकिन इस बार क्या आंगनवाड़ी और पोषण दोनों है, ये 2.0 है, उस समय 1.1 था, ये क्या है 2.0 है, तो हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हेल्थ का होगा या किसी और का होगा, बट ये किसका है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज सीन इन न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है हाँ ये देखो, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स याद रखना है, क्लाइमेट से रिलेटेड है, क्या है क्लाइमेट से रिलेटेड, कहाँ गया ये रहा, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, हाँ तो बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, विच स्टेट लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट, जिसको नाम दिया है चिराग स्कीम, तो ये जो चिराग स्कीम है, क्लास जो है ना वीक में 5 डेज होता है, जो हमारी अन अकेडमी पे यूट्यूब की जो क्लास है ये एक वीक में 5 डेज क्लास होती है, ठीक है चलो तो यहाँ पे देख लेते हैं, चीफ मिनिस्टर जो है ये वाली जो स्कीम है राइट, ये हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है, किसने, हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा गवर्नमेंट भी इस बार बहुत शानदार कर रही है। लास्ट क्वेश्चन ये लीजिए, हाँ वन लाइनर्स नोट्स बनाते चले यहाँ तो, और इस पे मैं वैसे स्टार लगा देता हूँ, ठीक है, हमारे इंडिया में जो है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को रह के बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे सामने आ रही है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे, एज ऑफ अगस्त 2022 के अंदर अभी तक कितने स्टार्टअप जो है यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं, एक अंदाजे से अगर बताएं अगर हम तो, हाँ 25,000, 50,000, 75,000 या फिर 1,00,000, हमारे इंडिया के अंदर
इंडिया के अंदर 75,000 जो है यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टअप हो गए हैं, और अभी 10,000 स्टार्टअप और अकेला जो है दिल्ली गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है। तो सोचो यहाँ पे 75 + 10 = 85, 1,00,000 हो जाएंगे 2022 के एंड तक। अगला, हाँ, वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी, सबको पता होना चाहिए इसका आंसर। वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी एंड हाँ कुंथकुलम बर्ड सेंचुरी, सबको इसका आंसर तो होना ही चाहिए, ठीक है। सिंपल सा आंसर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है इसका। कहाँ पे है? ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु या उत्तराखंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु है, सभी को पता है इसका आंसर। अगला, हाँ, रामसर साइट सारी आपने याद कर ही ली होगी, एक बार रिवाइज करना। विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द सक्षम आंगन, ये वापस कैसे क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। हाँ, इसका आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं, राइट, आ गया ये, ठीक है। पीसीएसजे लेवल वाला हाईएस्ट क्वेश्चन, जो अपन यूपीएससी लेवल कहते हैं ना जिसको, वो ये वाला क्वेश्चन है। विच स्टेट्स एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेशंस। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं आ रहा, बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, हाँ, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, हाँ, वो भी कितना, 100 स्टार लगा रहा हूँ। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार, ऑप्शन नंबर बी, बिहार इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, ध्यान रखिएगा ना, बिहार है। हाँ, तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है अभी किसने स्टार्ट करी है, बिहार ने, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लर्सन एंड टर्बो, एलएनटी आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छी कंपनी है। हाँ, एलएनटी साइंड अ एमओयू विथ विच स्टेट टू सेटअप एन आईटी एंड आईटीईएस टेक्नोलॉजी पार्क, एक आईटी टेक्नोलॉजिकल पार्क जो है, बैक, ये लीजिए बैक, पहले आप लिख लीजिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आराम से जो है इसको। हाँ, यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हाँ, जो चीज़ लुप्त होने की कगार पे है वो होता है एंडेंजर्ड, ठीक है। सर, पीसीएसजे के जीके का पेपर आप ही बना दीजिए सर जाके, ठीक है, जैसा आप बोले, आके देखते हम। हाँ, लर्सन एंड टर्बो जो है यहाँ पे, अब गुजरात है ना, गुजरात लग रहा है ना आंसर, नहीं है गुजरात, ठीक है, गुजरात नहीं है इसका आंसर। हाँ, अच्छा, सॉरी, लार्सन एंड टर्बो है ना, लार्सन एंड टर्बो तो गुजरात ही आंसर है इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, राइट। सर, हो गए, हाँ, चलो, तो अब बता दूं मैं क्या है आपका, राइट, टुडे यानी कि 2nd of September, ठीक है, 2nd of September में 12:45 को जो क्लास होगी स्पेशल, इसमें जो है यहाँ पे मैं आपको कुछ अलग अलग चीज़ें बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो स्पेशल क्लास है ये एक्चुअली यूपी पीसीएसजे, बीजेएस, एमपीसीजे, जीजेएस, जहाँ जहाँ पे भी जीके का पोर्शन आता है सभी का है इसमें, इस आज की क्लास में बताने वाला हूँ, ठीक है। उसको आराम से सिलेबस को किस तरह से यहाँ पे करना है, कौन कौन सी बुक्स लेके आनी, कौन कौन सी क्या है, सब चीज़ इसमें आ जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 3rd September से इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक स्पेशल पे सॉल्व कर रहा हूँ, यानी कि सब्सक्रिप्शन के बिना भी ले कर सकते हैं अपन ये, ठीक है। हाँ, ये इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है पूरा जो है एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक साथ में लेके आ रहा हूँ मैं, विथ एमसीक्यू, एमसीक्यू के साथ के अंदर, ओनली फॉर यू। हाँ, एक और मैं आपको बता देता हूँ, पूरा किसका लेवल का होगा, यूपीएससी लेवल का होगा, एक एक एनसीईआरटी, एक एक वन लाइनर, सारी चीज़ें यूपीएससी के लेवल की क्वेश्चन की होगी, तो आप ये आराम से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आता है इकोनॉमिक्स, बताऊँगा मैं आपको, आता है, ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आफ्टर फिफ्थ सेप्टेम्बर करंट अफेयर्स जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे अभी, हाँ, करंट अफेयर्स के बाद में जो है यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर
इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। यानी कि आपके दो तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे बिना कोई सब्सक्रिप्शन के, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपको यानी कि स्पेशल क्लास और यूट्यूब क्लास दोनों देखनी। मैंने आपको कहा भी था 2 से 2.5 घंटे मुझे चाहिए आपके, ठीक है, 2 से 2.5 घंटे चाहिए, तो इसीलिए जो है यहाँ पे आपके लिए कर रहा हूँ। अब इसमें क्या है, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पूरा पोर्शन आ जाएगा, छोटी सी चीज़ से लेके बड़ी तक का जो है पूरा आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, जीरो फीस इसकी जीरो होगा। अब आप हाँ विथ यहाँ पे MCQ ही चलेगा, ठीक है। हाँ, और इसमें मैं NCERT सारी जितनी भी NCERT, और एक और मैं आपको बता देता हूँ, हाँ, 6th क्लास से NCERT से लेके 12th क्लास के NCERT तक पूरा कराऊंगा, 6th से 12th पूरा 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 यहाँ पे करा दूंगा, राइट। बोनस दे दिया है मैंने आपको। हाँ, अब आप देख लीजिएगा, अपना आप जो है अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अभी 12:45 की क्लास में मैं आपको पूरा संक्षेप में बता दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना, डेट्स इट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इन विच स्टेट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज सेट टू बी बिल्ट, ठीक है, हिस्ट्री प्लस पे। वो जो बाकी के जो है ना वो मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल भी NCERT नहीं लेनी है, पूरी मैं ही करा रहा हूँ। एक स्टूडेंट क्या होता है कि कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये NCERT लूँ, ये वाली सामान लूँ, ये लूँ, तो इससे अच्छा सारा साथ में ही लेके आ जाऊँगा मैं, ठीक है, बेफिक्र रहो। हाँ, इन विच स्टेट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर, ठीक है, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर जो है ये खांडवा MP के अंदर बना है। वेरी गुड वीना, एकदम आपका आंसर सही है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। और ये भी कौन से के अंदर, हाँ, अगर कोई MP वाला है तो उसके लिए तो ये 100% वाला क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे। विच इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लिस्ट इट्स पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म ऑन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट TIN 2.0 प्लेटफॉर्म, ठीक है। हाँ, चलो देखते हैं यहाँ पे, आयकर विभाग के TIN 2.0 जो होता है यहाँ पे, हाँ, पर अब पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है, तो ध्यान रखिएगा, हाँ, फेडरल बैंक है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 फेडरल बैंक, ना ना SBI नहीं है, हर बार SBI नहीं होता है। हाँ, ठीक है, राइट, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। विच कंट्री चेयर्स द UN सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमिटी फॉर 2022, ठीक है, काउंटर टेररिज्म जो है यहाँ पे किसने स्टार्ट किया है, तो ये वाला जो चेयर करने वाला पर्सन और कोई नहीं, नन अदर देन इंडिया इज द राइट आंसर। इस बार का जो यहाँ पे UN सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि जो UNSC का जो एक प्रोग्राम आता है, हाँ, फेडरल बैंक को RBI ने पनिश नहीं किया है, वो क्या कहते हैं, पेनल्टी लगाई है, हाँ, कुछ 500 करोड़ की पेनल्टी लगाई है, सबसे बड़ी, हाँ, उससे भी बड़ी जो है ICICI बैंक को भी लगाई है, ध्यान रखिएगा। चलो, तो इसका आंसर है इंडिया है, याद रखे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। युद्ध अभ्यास एक फिर से एक्सरसाइज है जो कि इंडिया, अभी आंसर निकल जाता, हाँ, पहले तो इसका आंसर दीजिए, हाँ, इंडिया और किसके बीच में है, हाँ, जब तक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये लो लास्ट क्वेश्चन, ये इंडिया हो गया, हाँ, फटाफट, राइट, ठीक है, तो इसका आंसर है जापान, जापान के साथ ही है। अच्छा, युद्ध आभास, ओहो, USA, ठीक है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 USA है, ठीक है, जापान नहीं है इसका आंसर, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, फ्रांस नहीं है, युद्ध आभास जिसका है, हाँ, USA का है, वो क्वाड का जो है ना, एक बार जो है जापान को भी जो है ना इनवाइट किया था, बिल्कुल इस तरह से। हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट डेवलप्ड बाय 750 गर्ल्स अक्रॉस 75 रूरल स्कूल्स टू बी लॉन्च बाय इसरो, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हाँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 750 लड़कियों ने मिलके जो है एक तरह से यहाँ पे जो क्या कहते हैं सैटेलाइट डेवलप करी है, जो कि इसरो ने यहाँ पे क्या किया है, लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं कौन एकदम सही बताता है ये, राइट, हाँ, इसका आंसर है यहाँ पे आज़ादी सेट, ठीक है, आज़ादी सैटेलाइट है ये, बिल्कुल सही है, भारत सेट नहीं है,
हाँ ग्राम सेट नहीं और कम्यूनी, हाँ ये जो है ना ये कंफ्यूज करता है, ग्राम सेट जो है ना, हाँ बिल्कुल, हाँ ये फेल हो गया था बट क्या करें, अब वो तो जो बनाना था वो तो बनाया है। बिल्कुल नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द रेपो रेट। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना इसके आंसर से हमको कोई मतलब नहीं रखना है। रेपो रेट जो अभी जो चल रही है ना वो 5.4% चल रही है, लेकिन आपके एग्जाम तक कम से कम 7 से 8 बार चेंज होगी, तो हमको रेपो रेट का नहीं पता करना है। लेकिन हाँ अभी तो 5.4 है, चेंज हो गई, ठीक है। हाँ अब देखो एक तरफ है आरबीआई, दूसरी तरफ है समझ लो आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। हाँ जब आरबीआई से पैसा उधार लेती है आईसीआईसी बैंक, क्या है, जब पैसा लेती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेपो रेट, ठीक है। जब आरबीआई आईसीआईसीआई से पैसे लेती है तो वो क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। हाँ हमेशा ध्यान रखिएगा, रेपो रेट जब आरबीआई पैसा देती है वो रेपो रेट होता है, और जब आरबीआई पैसा लेती है वो क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट। हाँ बिल्कुल ये बदलती रहती है, हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है बैठे बैठे क्या है, मॉनिटरी टूल्स है ये आरबीआई के, जैसे सीआरआर है, एसएलआर है, रिजर्व रेशियो है, ये क्या कहते हैं यहाँ पे, रेपो रेट है, नोएडा में बारिश हो रही है। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट वो होता है कि जिस रेट पे जो बैंक है दूसरे लोगों को पैसा देती है, ठीक है, सॉरी जमा रखती है, डिपॉजिट रखती है, वो मैं आपको इकोनॉमिक्स जो है ना अभी कल से स्टार्ट हो रहा है, कल से। नेक्स्ट, विच कंट्री कंडक्टेड इट्स लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज जो है किसने की है, अभी चारों ऑप्शन में से एक ही हो सकता है ये लार्जेस्ट वाला। इकोनॉमिक की क्लास लेनी पड़ेगी क्या, बढ़िया हो जाएगा। ओहो सबसे बड़ी की बात करें तो चाइना ही होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ ना ना आंख बंद करके यूएसए नहीं होगा। हाँ ठीक है राइट, आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छा ये हमारे जो है क्या कहते हैं, जेम्स ऑफ लिंकिंग लॉज एंड अन अकेडमी, ये हमारे जो समझ लीजिए तनसुख सर की जो है मेहनत है पूरी, ध्यान रखिएगा, और जितनी भी एजुकेशन फैकल्टीज है सभी की मेहनत है ये, ध्यान रखिएगा। बट ये नंबर बहुत ही कम है अभी, ठीक है, बट एक बात बताना चाहूँगा, नंबर तो कम है बट सबसे ज़्यादा भी अपनिज है, ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन सबकी मेहनत से हुआ है, तो आपको भी सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, एक ही सीट चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल एक सीट हमको चाहिए, डेट सेट। और करंट अफेयर्स की बात करें तो आज 2 सितंबर है पार्ट वन, और कल 3 सितंबर है पार्ट टू, तो 2 दिन में जो है यहाँ पे हो जाएगा। और जो सबसे मस्ट अवेटेड क्लास जो है यहाँ पे, ये जो स्टूडेंट है ना ये प्री मेंस वाले अन अकेडमी वाले हैं ये, ठीक है, और ये कुछ स्टूडेंट उसमें से ये है, कम से कम 6 से 7 स्टूडेंट वो होंगे जो इंटरव्यू के लिए तैयारी के लिए आए थे अपने पास। हाँ ठीक है चल आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। हाँ जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है यहाँ पे, एक ही साथ में एक ही क्लास के अंदर खल्लास, तो सुपर फास्ट रिवीजन होने वाला है, डेट आप सभी को पता ही है, ठीक है, क्या डेट है इसकी, 3 सितंबर। फटाफट से बताइए ये क्या है, डेट और टाइम मैं इसलिए नहीं लेके आया हूँ क्योंकि टाइम आप बताएंगे कितनी बजे है, ठीक है। हाँ 3 सितंबर को कब है, शाम को 5 बजे जो है, सेव द डेट याद रखना, 5 PM पे है, इंपॉर्टेंट है ये क्लास बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, हु चेयर्स द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग, ठीक है। हाँ 3 सितंबर 5 PM याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग कौन है, तो सीधी सीधी बात है ना, कहाँ गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बात खत्म, हमेशा ही, ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम यहाँ पे, हाँ दोनी पोलो एयरपोर्ट, ठीक है, दोनी जो है यहाँ पे पोलो एयरपोर्ट है ये किस स्टेट के अंदर है, ठीक है चलिए देखते हैं ये कौन एकदम सही बताता है। राइट
फटाफट बताएं। तो इसका आंसर जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, और अभी डाउट सारे का डाउट लूंगा मैं अभी, है ना। अपनी कुछ 10 क्वेश्चंस बचे हैं, उसके बाद सारे क्लास का डाउट ले लूंगा मैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉमन पोर्टल फॉर रिकमेंडेशन एंड नॉमिनेशंस ऑफ ऑल ऑफिशियल अवार्ड्स। यानी कि जितने भी ऑफिशियल अवार्ड्स हैं, ठीक है, उसका एक कॉमन पोर्टल बनाया गया है, उस कॉमन पोर्टल का नाम क्या रखा है? ठीक है, तो उस कॉमन पोर्टल का नाम क्या रखा है? राष्ट्रीय पोर्टल। क्या रखा है? ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय पोर्टल। आंख बंद करके, ठीक है, हाँ, नींद में भी कोई आपसे पूछे कि इसका आंसर क्या होगा तो ध्यान रखना, हाँ, राष्ट्रीय पोर्टल है इसका आंसर, भारत पोर्टल नहीं है, राष्ट्रीय पोर्टल। अगला जो क्वेश्चन है ये, क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। जो हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट और जो राज्यसभा के नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़, जो कि आप फोटो के अंदर देख रहे हैं। हाँ, वन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटीज हैं ये, राइट, एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इंडियन आर्म फोर्स लॉन्च द हिम ड्रोन एथोन, ठीक है, हाँ, ड्रोन एथोन जो है यहाँ पे, बिल्कुल वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी थे ये, बिल्कुल, हाँ, तो किसने स्टार्ट करी है? एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। और वो फ्लैग जो चेंज हुआ है वो भी ध्यान रखिएगा, राइट, चलो फटाफट से इसका आंसर दो, इंडियन आर्मी, ठीक है। इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स नहीं है, ठीक है। हाँ, ड्रोनेथोन जो है यहाँ पे जरूरी नहीं कि जो हवा में उड़ने वाली चीज़ सिर्फ एयरफोर्स ही करे, ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेटेड सेंटर। बहुत ज़रूरी है ये। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? ये एक लीगल वर्ड है जो दो जनों के बीच में जो सुलझाता है, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? आर्बिट्रेटर। तो यहाँ पे जो न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर था उसका नाम अब चेंज हो गया है, ठीक है। अब उसका नाम क्या है? दिल्ली से हट के, है ना, इंडिया हो गया है, बस ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली से लेके इंडिया हो गया, तो न्यू दिल्ली की जगह इंडिया ये रहा। बस ये भारत और इंडिया ही परेशान करता है, ये ध्यान रखिएगा, बट हमको नहीं होना है। इसका आंसर क्या है? इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर सेंटर, बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वी प्रणव, ये वापस एक बार लिख लो इसको प्लीज, हाँ जरूरी है, एक बार कहीं ना कहीं लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ, वो तो कहते ही है ना, वो तो आपने संविधान में लिखा हुआ इंडिया डेट इज भारत, बट नाम तो चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी प्रणव जो है कौन से स्पोर्ट से संबंधित है? तो सारा शुभम जो है आपने एकदम सही कहा है, इसका आंसर जो है चेस है, शानदार खिलाड़ी हैं ये, ऑसम, ठीक है। बहुत बार जो है यहाँ पे आप मान के चले करंट अफेयर्स में और द हिंदू के जो स्पोर्ट्स पेज है ना उस पर भी ये अक्सर छाए हुए रहते हैं, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। वो ताजमहल वाली अफवाह थी, रूमर थी वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बताया भी था मैंने आपको, हाँ ठीक है, जम्मू कश्मीर, ये आपको मैंने बताया भी था, वो ऊपर की साइड में जो अटल टनल है, हाँ, और वो हाईएस्ट है, ये क्या है? हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट अलग अलग है, हाँ, 75th ग्रांड मास्टर है ये, लिख लो यहाँ पे 75th ग्रांड मास्टर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2022 फॉर इंसर्शन ऑफ अ न्यू आर्टिकल 3A, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ये जो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है आर्टिकल 3A को चेंज करने का, आर्टिकल 3A का मतलब, जो 3 है ना आर्टिकल 3, इसका मतलब होता है कि स्टेट बाउंड्री, ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, स्टेट बाउंड्री को अपने आप जो है छोटा और कम कर सकते हैं, वो ये होता है।
ठीक है, इसके लिए क्या एक स्पेशल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल मेजोरिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट ग्लोबल बिग टेक कंपनी टू ज्वाइन द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, हाँ, ONDC की अगर हम बात करें तो बिग टेक कंपनी जो है किसके साथ जो ज्वाइन किया है, हाँ, आर्टिकल 3A आंध्र प्रदेश ने इंट्रोड्यूस किया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में इन्होंने क्या है, कोलेबोरेशन किया है, ऑप्शन नंबर बी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल। ठीक है, हाँ, ना ना, माइक्रोसॉफ्ट अंकल भी है यहाँ पे, हाँ, गूगल और मेटा नहीं है, मेटा तो वही है, फेसबुक वाली कंपनी, आप सबको पता ही होगा, बिल्कुल। मनीषा कल्याण किस स्पोर्ट से संबंधित रखती है, खतरनाक क्वेश्चन है ये। ठीक है, मनीषा कल्याण एक बहुत ही शानदार एक एथलीट है, हाँ, जो किससे, अब एथलीट का मतलब ये नहीं होता है कि जो 100-200 लॉन्ग जंप ही करता है, एथलीट का मतलब होता है जो हर स्पोर्ट खेलता है। तो हरप्रीत, हरप्रीत आपका आंसर बिल्कुल सही है, इसका आंसर है फुटबॉल। तो मनीषा कल्याण जो है यहाँ पे फुटबॉल की है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच कंपनी डेवलप्ड द सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट विच वॉज रिसेंट क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे किसने जो है यहाँ पे पहली बार जो है यहाँ पे सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट बनाया है, तो ध्यान रखिएगा इसका होता है IOCL। ठीक है, हाँ, IOCL, हाँ, अब IOCL का फुल फॉर्म कोई बता सकता है, ना ना, HPCL, BPCL, ONGC नहीं है, IOCL का फुल फॉर्म जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा, राइट। IO का तो इंडियन ऑयल होता है, CL का बताओ। ठीक है, इंडियन ऑयल एंड कोल लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं, विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स द डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज इन इंडिया। हाँ, कॉरपोरेशन, हाँ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, हाँ, कौन सा ऐसा संस्था है जो डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, तो इसका आंसर तो सीधा सीधा है ना, हाँ, RBI। बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, अगर अपन ये क्लास देखते हैं ना तो PCS की ही तैयारी कर रहे हैं हम, ये आपको सही बता रहा हूँ मैं आपको, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इसका आंसर है, बिल्कुल सही है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अपन UPSC का भी एग्ज़ाम फाइट कर लेना इसके चक्कर में, ठीक है, हाँ, बस उसका मेंस बहुत टफ होता है, ध्यान रखिए। विच कंट्रीज आर एसोसिएटेड विथ ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशन कनेक्टिविटी नेटवर्क। ट्रांस हिमालयन की बात करते हैं तो हिमालय से जो हमको कनेक्ट करता है वो एकमात्र नेपाल है, ठीक है, अब इंडिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इंडिया का नाम ही नहीं है, नेपाल और चाइना के बीच का ये प्रोजेक्ट है, ना ना, इंडिया नहीं है वो, मैं बता रहा हूँ। हाँ सर, BPSC का एग्ज़ाम है 21 को, हाँ, ये फ़ायदा रहेगा आपके करंट अफेयर्स में, फ़ायदा रहेगा बिल्कुल। तो ये क्या है, नेपाल और चाइना के बीच में है, ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ओके, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड स्पार्क वर्चुअल स्पेस टेक पार्क। स्पार्क जो है ना, हाँ, एक वर्चुअल स्पेस टेक पार्क है जो किसने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर तो सीधा सीधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसरो, है ना, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट, एज पर रीसेंट चेंजेस इन अटल पेंशन योजना रूल्स विच कैटेगरी ऑफ बेनिफिशियर आर एक्सक्लूडेड। किनको एक्सक्लूड रखा गया है बताना है, ठीक है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इनकम टैक्स पेयर्स, या फिर नॉन रेजिडेंट इंडियंस। सर ये क्लास यूपी जुडिशरी के लिए भी है, हाँ, यूपी जुडिशरी के लिए ही है सबसे पहले, तो ध्यान रखना इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनकम टैक्स पेयर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, हाँ, इनकम टैक्स पेयर्स के लिए, ना नॉन रेजिडेंट इंडियन को एक्सक्लूड नहीं किया है, इनको ही किया है, अब ऐसा मत पूछना क्यों, ठीक है, वो तो गवर्नमेंट है तो वो जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपम, ठीक है,
निपम जो है एक किस चीज से एसोसिएटेड है हिंदी? अभी मैं इसका निपम के बारे में नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपको आंसर आ जाएगा। फटाफट से बताइए निपम किस से रिलेटेड है। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको आईपीआर का, जो आंसर राइटिंग के अंदर जो क्वेश्चन दिया था मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, जो 2016 के अंदर हुआ था। हाँ, वो क्वेश्चन आपको जल्द से जल्द भेजना। हर थर्सडे को मैं 2 या 3 क्वेश्चन दूंगा। हाँ, तो वो आपको करना है। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको क्या करना है, वो आंसर राइटिंग करके मुझे भेजना है टेलीग्राम पे। ध्यान रखिएगा, प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी। ये निपम है, हाँ, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, जिस जो किसके अंडर में है यहाँ पे? हाँ राइट, नेशनल आईपी अवेयरनेस मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में। किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। डेट्स इट। और ये एक इनिशिएटिव भी है 75th का, हाँ, जो आज़ादी का महोत्सव है। नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द स्माइल 75 इनिशिएटिव? ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता रहा था, हाँ सर, उसमें वर्ड लिमिट भी है। बिल्कुल, वर्ड लिमिट मैंने 250 वर्ड की करी हुई है। हाँ, और एक और मैं पूछ रहा था कि सभी ने अपना जो नेशनल फ्लैग है वो उतार तो लिया है ना? जिसने नहीं उतारा है वो आज उतार लेना, ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे घरों पे मैंने देखा भी है आलस के चक्कर में बस लगा हुआ है, तो ये अपमान है, ये ध्यान रखिएगा। चलो, तो यहाँ पे क्या, स्माइल 75 इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। राइट, हाँ, आगे बढ़ते हम। विच कंट्री होस्टेड द बायलेटरल एयर एक्सरसाइज नेम्ड, हाँ, उदर शक्ति? ठीक है, उदर शक्ति नामक जो है यहाँ पे किसने एक्सरसाइज को होस्ट किया है? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका आंसर है मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी। मलेशिया ने क्या है यहाँ पे किया है? ना ना, बांग्लादेश नहीं है। हाँ, वो बांग्लादेश के अंदर जो है ना, वो सीएनजी बहुत ही शानदार मिली है। राइट, नेचुरल गैस जो है बहुत ही शानदार मिली है, इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा इससे। राइट, फिर विच यूनियन मिनिस्ट्री रिसेंटली ऑर्गेनाइज द डीएसटी स्टार्टअप उत्सव? डीएसटी स्टार्टअप उत्सव जो है ये अभी किसने, हाँ, किसने यहाँ पे क्या है लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या नाम है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाँ हाँ, सिलहेट बांग्लादेश, बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता रहा था कि जो इंडिया का जो इन्फ्लेशन है, क्या है इंडिया का जो इन्फ्लेशन है, यानी कि जो महंगाई है, वो किस पे मेजर होती है बताओ? ठीक है, WPI पे या फिर CPI पे? WPI का मतलब तो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और CPI का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। लिख भी देता हूँ यहाँ पे, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और CPI का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हाँ ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले क्या होता था, हाँ पहले क्या है, WPI पे होता था, लेकिन अब किस पे होता है? CPI पे। हाँ, ये कराया हुआ है अपने, हाँ ये इसमें भी आया था, क्या कहते हैं, APO में भी आया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो वो जो CPI है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये हमारे 2012 के बाद से स्टार्ट हुआ, उससे पहले WPI चलता था। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, और अगर बेस ईयर माना जाए, ठीक है, तो बेस ईयर अभी जो है 2019 है। 2019 को देखकर हम क्या है यहाँ पे महंगाई या सस्ताई बताते हैं, 2019 है। अब आने वाले जो 2023 का जो बजट आएगा ना, बेस ईयर चेंज होकर 2022 हो जाएगा, 2022। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन है, नाटो यूक्रेन पर आया तो रशिया वॉर कर दिया, तो इंडिया चुप रहा है श्रीलंका और पाकिस्तान में चाइना का इन्वॉल्वमेंट? हाँ, इंडिया चुप ही रहेगा, ठीक है। हाँ चलो, आगे देखते हैं। अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, अगस्त्य मलाई अगर नाम आपने सुनावा हो तो आपका आंसर ये तय है। ठीक है, तो अगस्त मलाई एलिफेंट रिजर्व जो है ये हमारे तमिलनाडु के अंदर है, बिल्कुल
ठीक है, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट है, राइट है। हाँ, इंडिया चाहता है पीस, पीस मतलब शांति चाहता है, और इधर उधर से उसको क्या है, उकसा रहे हैं लोग। उकसाने का मतलब समझते ना, इंसाइट करना, प्रवोक करना, तो वही कर रहे हैं सब। तो हमको हमेशा शांत बैठे रहना चाहिए, ज़्यादा ठीक रहता है। चलो, तो ये तो क्या है, हमारी थी क्लास। अब किसी को भी कोई छोटे से छोटा डाउट या बड़े से बड़ा डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए जल्दी से। हाँ, डाउट के लिए ही बैठा हूँ मैं, जल्दी से बताए। क्लासेस का जो है 12:45 वाली अभी क्लास इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हाँ ठीक है, छोटी क्लास है, छोटी। पॉलिटी का बताऊंगा मैं आपको क्या करना है, राइट। अब शांत नहीं रहेंगे सर, कुछ साल की और बात है बस। वेरी गुड, ठीक है ठीक है। यूपी पीसीएस जे में ऐसे हिंदी में होता है या इंग्लिश में, दोनों में होता है। आइकॉनिक के अंदर क्या है, थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा मेंटर मिलता है आपको और टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है। हाँ, मज़ा आ गया क्लास लेके, थैंक यू सो मच। यही मेरा मोटिवेशन है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। और इतना बड़े बड़े डाउट है, मेरे को चेक करना पड़ेगा, ऊपर चले गए, राइट। सर माइनर एक्ट्स है आपके चैनल पे? बिल्कुल, सारे माइनर एक्ट्स मिल जाएंगे सर, जो आप ज्योग्राफी कराएंगे यूट्यूब पे। हाँ, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी कराई थी ना, सेम वैसे इंडियन ज्योग्राफी कराऊंगा, ठीक है? इससे ज़्यादा आप क्या बोलूँ मैं। वी आर वेरी गुड इन डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड विच गिव्स अ सेपरेट रिकोगनाइजेशन एज वर्ल्ड लेवल। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे वर्ल्ड लेवल में अगर कोई ऑनेस्ट पर्सन माना जाता है तो वो इंडिया का ही माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, मिलते हैं 12:45 की क्लास में। सर लॉ के रिजल्ट पेंडिंग है मेरा, बट वो तो हो जाएगा ना, जब तक यूपी पीसीएस आएगा तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। सर आपने जो आंसर राइटिंग दिया है वो बीजीएस के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। सर अपूर्वा मैम की लीगल जी की क्लास यूपी, हाँ इम्पॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, यू कैन टेक। हाँ, फिर है यहाँ पे सर एमपी एडीपीओ के लिए अब कब तक का करंट पढ़ना है? करंट अब मैं आपको बताऊँ, फिर भी जनवरी 2022 से तो पढ़ना ही पड़ेगा। इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। सर जीएस की क्लास लेनी है, फीस कितनी है? फीस तो वो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप टेलीग्राम पे कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। ऐसे लिख के आपको किस पे चेक करके भेजे, टेलीग्राम? हाँ, हिंदी मीडियम है तो हिंदी में लिख के भेजो ना, मैं हिंदी भी चेक कर रहा हूँ, ठीक है, बेफिक्र रहिए। हाँ सर वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आता यूपी में? अरे यूपी एपीओ में आता था, हाँ, तो वो क्या है अब उसके जैसा जैसा मैं यहाँ पे कराऊंगा। हाँ सर, क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक लेनी पड़ेगी? नहीं लेनी, वो मैं आज 12:45 की क्लास में कंफर्म करूँगा आपको, थैंक यू सो मच। सर सिर्फ दो डाउट है, एडीपीओ को साइड में रख दो, ठीक है, एमपीसीजे पे आ जाओ। हाँ कल भी करंट होगा, कल मेरा बर्थडे है, ठीक है प्राची, ओके। आंसर आईटी में सेकंड क्वेश्चन समझ नहीं आया, हाँ प्राइवेट जो है ना, प्राइवेट पार्टनरशिप है उस पर रिलेटेड है कि क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अनअकैडमी ऐप है, इसी के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। सर कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए क्लासेस के बारे में? कॉन्टैक्ट नंबर देना अलाउ नहीं है, बट आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ओके। चलो फिर, हाँ सबके डाउट क्लियर हो गए हैं। पंजाब का माइनर एक्ट जो है अभी नहीं होगा, अभी तो नहीं होगा इस चैनल पे, हाँ, लेकिन आप मैसेज कर दीजिएगा, जो भी फैकल्टी है वो आपका क्लास ले लेंगे, ठीक है, राइट, ओके। तो यहाँ पे जब हम सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो सारे ही बैचेस का एक्सेस आपको मिलता है अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। साथ ही जो 12:45 वाली जो हमारी स्पेशल क्लास होती है, पिछले 10 महीने से मैं आपको बता रहा हूँ, 11 बजे तो यूट्यूब पे मैं मिलूँगा ही, 12:45 में आपको अनअकैडमी की स्पेशल पे मिलूंगा, ध्यान रखिएगा। बिहार जुडिशरी के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है जी। चलिए फिर, सर डेढ़ ईयर वेट, हाँ बस इसीलिए तो डेढ़ साल से वेट किया जब तक एमपीसीजे आके भी चला गया, राइट है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू,
हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू.